नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, आपके साथ वंशिका पांडे। बस्तर में भाजपा कार्यकर्ता साल 2023 के चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। बता दें कि जगदलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ पर पकड़ बनाने और स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। और वहीं कुशाभाऊ ठाकरे जनशताब्दी कार्य विस्तार योजना के तहत भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं की बैठकें लेकर लोगों से संपर्क बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। देखिए कुछ खास। जगदलपुर के 98 मतदान केंद्रों को लेकर भाजपा ने 15 शक्ति केंद्र बनाए हैं। उन शक्ति केंद्रों में बड़े नेताओं को विस्तारक बनाया गया जो आगामी 20 मई तक लगातार शक्ति केंद्र में शामिल मतदान केंद्रों में डेरा डालेंगे। और वहीं भीमराव शक्ति केंद्र में पहुंचकर भाजपा प्रदेश महामंत्री किरण देव ने बूथवारों की बैठक ली और पुराने कार्यकर्ताओं से उनके घर जाकर भेंट की। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने प्रतापगंज शक्ति केंद्र में कार्यकर्ताओं की बैठक कर बूथवारों को जानकारियां एकत्र करने के लिए कहा है। साथ ही बूथ कमेटी सदस्य, पन्ना प्रमुख आदि बनाने के कार्यों को गंभीरता पूर्वक पूर्ण करने के लिए कहा गया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में श्रीनिवास राव मद्दी, कमलचंद भंजदेव, शिव नारायण पांडे, सुधीर पांडे आदि विस्तारक के दायित्व में शक्ति केंद्रों में पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बैठक ली। साथ ही साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए कार्यकर्ता अभी से पूरी तैयारियां करने में लगे हुए। तो ये थी हिंदुस्तान की कुछ खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान के साथ।